हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। दिन का टाइम हो रहा है, 2:45 बज गए हैं और आज है वेडनेसडे। और मुझे बहुत दिनों से एक चीज़ की रिक्वायरमेंट हो रही थी, फाइनली वो मेरे पास आ गई है। और वो क्या है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो है ये है सैंडविच मेकर। मेरे पास पहले था, एक वाइट कलर में था, पर वो ख़राब हो गया था तो उसके बाद मैं ला नहीं पा रही थी। बहुत दिनों से सोच रही थी और जो मुझे चाहिए था इसी ब्रांड का मुझे चाहिए था। ये विशाल की ब्रांड है, मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट इसके हैं और मुझे अच्छा भी लगता है ये। तो ये है टैंडम का सैंडविच मेकर है। अब की बार मैंने ब्लैक कलर का लिया है, लास्ट टाइम वाइट कलर का था। और इस तरह से इसका ये लॉक खुल जाता है, इस तरह लॉक खुल जाता है। और ये देखिए कितने अच्छे से इसकी ग्रिल करने का एरिया दे रखा है दोनों साइड। ये इसका प्लग है। तो कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा। मुझे तो काफ़ी पसंद आया है और अभी मैं इसमें हर्षिता को एक सैंडविच बना कर भी दूंगी। क्यों? हाँ। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग तो हो गई है, किचन में लेके चलते हैं इसे और कुछ टेस्टी सा सैंडविच बनाकर खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सैंडविच बनाने की तैयारी कर ली है। ये सैंडविच वाली ब्रेड है जो बेकरी से मिलती है, वो वाली बड़ी साइज़ की। ये चीज़ी स्प्रेड है। यहाँ पे हम लेंगे टमाटर, प्याज और खीरा, छेदार चीज़, बटर और हल्का सा नमक और मिर्च, और इस नए वाले सैंडविच मेकर में बनाएंगे। लेकिन क्योंकि ये सैंडविच मेकर अभी हमारा नया है तो सबसे पहले हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक ये किचन टॉवल लिया है, इसको खोल के इस वाली ग्रिल को साफ करूंगी मैं। पहले मैंने इसे सूखे से क्लीन किया है, अब थोड़ा सा मैंने गीला किया है इसको, तो क्योंकि इसी जगह पे मेन सैंडविच हमारा बनता है, इसको क्लीन कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। सारी तैयारी हो गई है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर मेयोनीज लगाएंगे और मेयोनीज के साथ इस पर लगाएंगे सॉस। आप चाहें तो दोनों को मिक्स करने के बाद भी लगा सकते हैं, गलत जगह खड़ी। और यहाँ पे आपके पास ग्रीन चटनी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने बस मेयोनीज के ऊपर सॉस को लगाया है और प्याज, टमाटर और खीरा उसके ऊपर लगा लेंगे। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे नमक
और चिली फ्लेक्स। आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं और चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जो आपकी चॉइसेस हो आप यहाँ वो डाल सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने सिर्फ नमक और चिली फ्लेक्स यूज़ किया है। और ये है छेदार चीज़, इसका एक क्यूब काट के मैंने उसको मैं इस पूरे सैंडविच के ऊपर ग्रेट कर दूंगी, क्योंकि इसका जो टेस्ट आएगा वो एकदम पिज़्ज़ा को भी फेल कर देगा, इस तरीके से आता है। और बस अब दूसरी स्लाइस पे भी सेम चीज़ लगाएंगे, वही मेयोनीज और सॉस, और इन दोनों को कवर कर देंगे और बटर ऊपर से लगा के सैंडविच मेकर में अब इसे ग्रिल करेंगे। देखिए कि प्लेट भी लेके आए थे हम छोटी सी, इसका ये स्टिकर हटाना है मुझे और इसमें अभी हर्षिता के लिए सर्व करूंगी। बंद करके देखो बीच में, सैंडविच बन गया है। अब मैंने इसके ऊपर चीज़ी स्प्रेड भी कर दिया है और साथ में ये पिज़्ज़ा सीजनिंग लेके आए थे, अभी तक ओपन नहीं किया था इसे, तो इसको भी लगा दिया है। और बस अब इसको कट करेंगे और खाएंगे। और हर्षिता से तो अभी इस समय वेट नहीं हो रहा है क्योंकि फुल चीज़ के साथ लोडेड है ये सैंडविच। इतना सारा चीज़ देख के तो हर्षिता तो रुक ही नहीं पा रही है, बोली मैं तो यहीं किचन में खड़े खड़े खाऊंगी। खाओ, गरम है बहुत। सो यम्मी। चलिए एक बाइट मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कैसा है। हर्षिता को तो बहुत ज्यादा पसंद आया है, सुपर यम्मी बता रही है, क्योंकि इसके अंदर चीज 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 इतना चीज है और बच्चों को तो बस चीज ही पसंद आता है। चलिए मैं भी खा के आपको रिव्यू देती हूँ। आपका चीज़ भी एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हैं। हाँ। जो फुल लोडेड चीज़ वाला होता है ना पिज़्ज़ा, एकदम उसी तरह बहुत अच्छा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो बच्चों के लिए बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है।